आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। समय सीमा समाप्त हुई, 6 बज गए, मतदान का समय अब खत्म हुआ। आज यूपी में दूसरे चरण का मतदान था। 9 जिलों की 55 सीटों पर 586 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे थे। तो वही समय सीमा अब समाप्त हो चुकी है। यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह आज चुनाव था, और दोनों जगह के चुनाव में खास बात ये थी कि उत्तराखंड के चुनाव में शांतिपूर्ण तरीके से जहां चुनाव संपन्न हो गया, तो वहीं उत्तर प्रदेश के जो दूसरे चरण का चुनाव था उसमें कई शिकायतें देखने को मिली। 5 बजे तक के आंकड़े भी सामने आ गए। कुल 60.31% मतदान हुआ है 5 बजे तक। बिजनौर 61.40, संभल से भी आंकड़े सामने आए हैं। अमरोहा, मुरादाबाद, बदायूं, शाहजहांपुर, संभल, सहारनपुर, रामपुर, बरेली, सभी जगह के आंकड़े सामने आ गए। 5 बजे तक बिजनौर में 61.40% मतदान हुआ, अमरोहा में 66.15% मतदान हुआ, मुरादाबाद में 64.70% मतदान हुआ, रामपुर में 60.10% मतदान हुआ, संभल में 56.88% मतदान हुआ, बदायूं में 55.91%, बरेली में 57.96%, सहारनपुर में 56.70% मतदान हुआ, वहीं शाहजहांपुर में 57% मतदान हुआ। तो सभी जगह से आंकड़े सामने आ गए। 5 बजे तक 6 बज गया है, समय सीमा समाप्त हुई है, और इस बार के जो ये आंकड़े सामने आए हैं ये कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मतदान हुआ है या शहरी क्षेत्रों में। पिछली बार की यानी 2017 के मुकाबले कैसा रहा नतीजा? इस बार के चुनाव में जिस तरह से अपील की जा रही थी जनप्रतिनिधियों द्वारा, तो क्या उसका कोई असर पड़ा है? ईवीएम खराब होने की भी कई शिकायतें आई हैं जिसका निवारण किया गया, ईवीएम ठीक किया गया, लोगों को कई असुविधा का सामना भी करना पड़ा। और आज इसी चुनावी चर्चा के लिए हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक जुड़ चुके हैं, भूपेंद्र तिवारी जी और शशिकांत पांडे जी। दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का चुनाव काफी दिलचस्प देखने को मिला, जनता काफी उत्साहित दिखी है। तो भूपेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 2017 के जो आंकड़े थे और इस बार का जो वोटिंग का ये आंकड़ा सामने आया है, क्या कहेंगे, कितना बदलाव है? देखिए, वोटिंग बढ़ने का मतलब सामान्य रूप से पहले 90 के दशक तक ये लगाया जाता था कि एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, सरकार के विरोध में जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय परिवर्तित होता गया और जैसे जैसे चुनाव का माहौल सुधरता गया, चुनाव सुधार लागू होते गए, तो अब एक तो वोटिंग को लेकर के, अपने मताधिकार को लेकर के लोगों में जागरूकता आई है जी। लोग वोट से दे करके एक परिवर्तन लाना चाहते हैं, सरकार में दबाव भी बनाना चाहते हैं, और खास करके आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखिए, अब वोटिंग को लेकर के, अपने वोट को डालने को लेकर के बड़ी जागरूकता हो गई है जी। और अब एंटी इनकम्बेंसी ही हो ये जरूरी नहीं है, वोटिंग को अब लोगों ने एक अधिकार के रूप में लेना शुरू कर दिया है जी। रही बात अब की बार, अभी तक ये आंकड़े नहीं आए हैं कि सबसे ज्यादा मतदान शहरी क्षेत्रों में हुआ है और या ग्रामीण क्षेत्रों में जी। शहरी क्षेत्रों का जो वोटर है ये जनरली घर से निकल करके और पोलिंग बूथ तक जाने में पता नहीं क्यों हेजिटेशन महसूस करता है, जबकि ये इलीट वर्ग है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे सरकार ने या निर्वाचन आयोग ने लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है, शिक्षण संस्थाएं बहुत और माध्यमों से लोगों में जागरूकता करने की कोशिश की है, तो अब वोटिंग के लिए लोग बाहर आने लगे हैं। लेकिन जैसे जैसे अपर क्लास में आप जाते जाएंगे, वैसे वैसे लोग बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन पोलिंग बूथ तक जाना नहीं चाहते हैं। तो हमारा जो वोटिंग राइट है वो परिवर्तन कैसे लाएगा जब तक हम मतदान स्थल तक नहीं जाएंगे? लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, और मतदान जो 65% तक जा रहा है, इसको हमारे ख्याल से अभी पूरी तरह से हम संतोषजनक नहीं मान सकते हैं जी। शशिकांत जी, इस बार चुनाव विकास के मुद्दे पे देखा जा रहा है, हर बार यूपी का चुनाव खास तौर से जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखता है, लेकिन इस बार जितने भी जनता से बात की गई है, हमारे संवाददाता ने जितनी भी जनता से बात करी है, तो सबका एक ही कहना है कि विकास के मुद्दे पे इस बार का चुनाव है, विकास को ही देखते हुए, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और स्वास्थ्य को, इन सब मुद्दों को देखते हुए इस बार वोट करे जा रहे। कितना बदलाव देखते हैं पहले से अब में? इस चुनाव में हम एक चीज जरूर देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ से उन्होंने फोकस किया विकास के ऊपर, उसमें उन्हें कामयाबी भी मिली।
लेकिन पूरी तरह से पार्टियां जो है वो सेंटिमेंट से जुड़े रही हैं, भावनात्मक मुद्दों पर ज्यादा विकास के मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे हैं। हो सकता है कि ये दोनों ही तरफ से जो है एक तरह से पोलराइजेशन की कोशिश है कि जो मतदाताओं को हम जो है अपने पक्ष में करने की कोशिश करें। विकास हमेशा से एक उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो कि एक बीमारू राज्य की श्रेणी में रहा है, हमेशा से ही एक ज्वलंत प्रश्न है, लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि कभी भी विकास जो है वह एक चुनाव में मुद्दा नहीं बन पाया। अभी इस चुनाव में भी हम देख रहे हैं कि हालांकि विपक्ष के द्वारा सत्ता पक्ष को घेरने की लगातार कोशिश की जा रही है, आप देखते होंगे कि अखिलेश यादव अपने चुनाव में वो हमेशा जो है स्थानीय मुद्दों और क्षेत्रीय मुद्दों के आधार पर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, जो 15 लाख रुपए कहाँ गए, वो नौकरियां कहाँ गई, या बेरोजगारी का मुद्दा है, तो विकास के मुद्दों पर और घेरने की कोशिश विपक्ष के द्वारा हो रही है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी बहुत सारे मुद्दे हैं और वो एक तरह से वो सरकार ने जो 5 वर्षों में काम किए हैं वो उन उपलब्धियों की वो बात करती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जो है वो फिर जो है वो एक जो सेंटिमेंटल जो इश्यूज है वो चाहे आपका वो कैराना हो गया या पलायन हो गया या अभी हिजाब का मुद्दा है, वो जो है कहीं ना कहीं उन विकास के मुद्दों के ऊपर जो है वो जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है वो हावी होता जा रहा है। जी बिल्कुल भूपेंद्र जी, इस बार भी ईवीएम की परेशानी देखने को मिली है। पहले चरण के चुनाव में भी ईवीएम खराब होने की जो शिकायतें थी वो आती रही और लोगों में आक्रोश भी देखने को मिला, लोग नाराज नजर आए, काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और दूसरे चरण में भी सेम यही परेशानियों का सामना करना पड़ा है मतदाताओं को। तो कौन सी कोई एक ऐसा तरीका क्या हो सकता है कि इन परेशानियों से निजात मिल सके? टेक्निकल इश्यू तो होते ही रहते हैं, लेकिन जनता के लिए क्या कुछ तरीका निजात किया जा सकता है ताकि सुगम से चुनाव पूर्ण कराए जा सके? देखिए, एक इसको थोड़ा सा टेक्निकल, क्योंकि जनता जो है ना वो थोड़ी उनमें पेशेंस लेवल कम होता है, हाइपर जल्दी हो जाते हैं, खास करके लोग आरोप विपक्ष खास करके विपक्ष जो आरोप लगाने लगता है कि अगर ईवीएम बदला जा रहा है तो वो क्यों बदला जा रहा है और उसमें सरकार कुछ गड़बड़ कर सकती है, जबकि वास्तव में ये टेक्नोलॉजिकल इश्यूज हैं और टेक्नोलॉजिकल इश्यूज कभी भी हो सकते हैं और कहीं भी हो सकते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। यद्यपि इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, 6 सिग्मा प्रोसीजर जिसको अपनाया जाता है, जिसमें 1 लाख में 1 लाख इवेंट्स में 6 इवेंट्स ऐसे होते हैं जो डिफॉल्ट मतलब गड़बड़ कर सकते हैं, खराब होने की संभावना होती है। 6 सिग्मा प्रोसीजर से गुजर करके ये सारी चीजें की जाती हैं। टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है फिर भी आ ही जाता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी होती हैं, इन्वायरमेंट होता है और मौसम का असर पड़ता है, ये सब टेक्नोलॉजिकल इश्यूज है। हाँ, इसका एक नियर बाय स्टैंड सब्स्टिट्यूट जो है वो रखना चाहिए सरकार, अगर थोड़ा सा एक चीज और कर ले इसमें कि ईवीएम को एक हर पोलिंग बूथ जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उन एक सेक्टर पर एक कुछ ईवीएम को जो है वो स्टैंड बाई में रखा जाए। बिल्कुल। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वास्तव में रखा जाता है तो वहां से पोलिंग बूथ तक पहुंचने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जिसको लेकर के लोग हाइपर क्रिएट करते हैं। अगर इसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ना रख करके सेक्टर लेवल पर रखा जाए और सेक्टर लेवल पर ऐसी प्रोसीजर किया जाए, यद्यपि यहाँ पर फिर वही बात आती है, सुरक्षा की गारंटी और वो जो लॉक सिस्टम है वो, और प्लस लोगों में विश्वास, लेकिन फिर भी अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये मेंटेन किया जा सकता है तो सेक्टर लेवल पर भी मेंटेन किया जा सकता है जी। तो थोड़ा सा इसका एक सब्स्टिट्यूट ये हो सकता है, यद्यपि मैं बार बार कह रहा हूँ 6 सिग्मा प्रोसीजर से गुजरता है तो इसमें फिर भी टेक्नोलॉजी है, फेल तो हो ही सकती है। बिल्कुल शशिकांत जी, पहले चरण में भी ईवीएम का मुद्दा उठा, खराबी हुई और इस पे घेरा गया है और सपा प्रमुख ने भी इस पे ट्वीट किया था, आज भी यही परिस्थिति देखने को मिली, शिकायत की गई है ईवीएम की खराबी को लेके, क्या देखते हैं, क्या आने वाले चुनावों में ये शिकायत दूर हो पाएंगी या फिर इससे चुनाव पे कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, आपके प्रश्न के 2 भाग हैं और भूपेंद्र जी ने जैसा बताया जब हम तकनीकी का इस्तेमाल करते हैं तो तकनीकी में हम कोई भी यह दावा करें कि वह बिल्कुल 100% जो है उसमें कभी कोई खराबी ही नहीं आएगी तो ऐसा होना मुश्किल है, लेकिन बहुत सारी जो है जांच के बाद इस तकनीक को अपनाया गया है और
उसके माध्यम से हमें बहुत सारे जो है उसके हम देखते हैं कि बहुत सारे उसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। जब हम जाते थे और मैनुअल जब वोटिंग होती थी उसमें तमाम तरह की जो है उसमें भी परेशानियां और दुश्वारियां होती थी, उसमें काफी हद तक जो है ड्रास्टिक कमी आई है। रही बात इस तरह की ईवीएम की खराबी की, ईवीएम में खराबी होना एक बात है लेकिन उसका दुरुपयोग होना, अब देखिए अभी पहले चरण में भी कोई इस तरह का आरोप कम से कम या दूसरे चरण के बाद भी यह नहीं लगा है कि वो सत्ता पक्ष के द्वारा जो है वो उसको मिसयूज किया गया है या उसके पक्ष में कहीं मतदान कराने की कोशिश की गई है। तो अपने आप में ईवीएम की जो कमियां है, ऑफकोर्स हर तकनीक का अपग्रेडेशन होता है और इसमें भी बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए हैं और उसकी गुंजाइश भी है और रहेगी, लेकिन इससे हमारी चुनाव व्यवस्था में बहुत सुधार हुआ है। निश्चित रूप से विपक्षी दल जो है और खास तौर से समाजवादी पार्टी जो कि कहीं ना कहीं वो बिल्कुल लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ी है, तो उनकी तरफ से जो है वो आरोप लगेंगे और यह दायित्व है चुनाव आयोग का कि उन जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों का निवारण करे, निस्तारण करे। और मुझे लगता है कि ईवीएम एक समस्या नहीं बनेगा, ऐसा चुनाव आयोग सुनिश्चित करेगा। जी भूपेंद्र जी, ईवीएम हमेशा से मुद्दा बना रहता है, अगर बीजेपी जीत जाती है तब भी विपक्ष इसे उठाता है और अगर ईवीएम खराब हो जाती है तब भी इसे विपक्ष अपना मुद्दा बनाता है। तो हम जब आगे बढ़ रहे हैं, डिजिटल हो रहे हैं, हर जगह डिजिटल तरीके से हम काम कर रहे हैं और जो मौजूदा सरकार है वो भी डिजिटल को प्रमोट कर रही है, तो आखिर कोई समाधान निकल सकता है? क्योंकि हर क्षेत्र में डिजिटली काम कर रहे हैं हम लोग, जब वहां कोई परेशानी का सामना नहीं करते हैं तो चुनाव के वक्त ही क्यों परेशानियां सामने आती है? जी मैं पांडे जी की बात में थोड़ा सा एक चीज और जोड़ता चलूं। अभी जो सुरेश सिंह राणा ने ईवीएम को लेकर के जो कंप्लेन किया था, आपको याद होगा आज ही जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जो वो उन्होंने इस आपत्ति को उन्होंने रद्द कर दिया है और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे दोबारा मतदान वहां नहीं होगा क्योंकि इस तरह की वास्तव में कोई टेक्निकल गड़बड़ी जिसका आप लोग आप लगा रहे हैं ऐसा नहीं पाया गया है, नंबर वन। देखिए दूसरी चीज ये है कि जो अगर हम जीत जाएं तब तो ईवीएम बड़ी अच्छी बात है, अगर हम हार जाएं तो ईवीएम के द्वारा गड़बड़ी हुआ, ईवीएम हैक कर लिया गया, ये दोनों मतलब दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। अगर अगर मान लीजिए अगर एक पोलिंग बूथ पर 1,00,000 वोट मिला और 1,00,000 वोट में अगर आपको 40,000 वोट आपको मिलते हैं, 60,000 वोट मान लीजिए दूसरे को मिलते हैं और 60,000 वाला वोट जीत जाता है, तो 40,000 वोट मिला तो आपको अगर ईवीएम में खराबी थी तो वो 40,000 वोट कैसे मिला? जी। या आपको मान लीजिए जो चार जो सीटें मिल रही हैं वो सीटें तो वहां ईवीएम नहीं हैक हुआ, बाकी जगहों पर ईवीएम हैक हो गया, जहां पर आपका परंपरागत वोटर है, जिन जगहों पर आपका परंपरागत वोटर है जो आपकी मजबूत सीटें हैं वहां पर ईवीएम नहीं हैक होता है, जहां पर आप हार जाते हैं वहां जो ये आरोप लगाए जाते हैं ये बेबुनियाद है। बिल्कुल, ये हम तो कह रहे हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में जब हम बहुत बड़ी बड़ी हाई टेक्नोलॉजीज की बात कर रहे हैं, जब हम सिक्स सिग्मा की बात कर रहे हैं, जब हम बहुत सारे प्रोसीजर अपना रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर इसको जांचा परखा गया है, तो उस समय अगर हम ये बात पुराने जमाने की करें कि ये हैक कर लिया गया है या यहाँ पर गड़बड़ी की गई है या छेड़छाड़ की गई है तो ये थोड़ा सा गले नहीं, क्योंकि उसका एक लॉजिक होना चाहिए ना कि जो आपकी मजबूत सीटें हैं जहाँ परंपरागत सीटें हैं वो कैसे तो फिर जीत जाते हैं भाई, अगर वो ईवीएम में गड़बड़ी है, गड़बड़ी वहां भी तो होगी ना। बिल्कुल। शशिकांत जी, आज भी हंगामा देखने को मिला, विकास नहीं तो वोट नहीं, वोट का बहिष्कार किया गया है, 5 साल के लिए विधायक गायब हो जाते हैं चुनाव जीतने के बाद, ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा है, इस पे क्या कहेंगे? जिस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है चुनाव का, तो क्या इतने पर भी ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए जनप्रतिनिधियों द्वारा? आपने अच्छा प्रश्न किया, जो हमारे जनप्रतिनिधि उनका एक दायित्व है कि जनता जब आपको चुनती है और पुनः आप 5 वर्ष बाद जब आप उसे दिखाई देंगे तो स्वाभाविक है कि वो उसे बीच में तो कोई अवसर मिलता नहीं है, हमारे यहाँ कोई राइट टू रिकॉल नहीं है कि हम उन्हें वापस बुला लें, तो ऐसे में जनता जो है वो अपने आक्रोश को किस रूप में व्यक्त करे? हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सिविल सोसाइटी भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो ऐसे में जनता का वो के आक्रोश का वो एक्सट्रीम मैनिफेस्टेशन है कि वो चुनाव का ही बहिष्कार करती है। यद्यपि लोकतंत्र में यह बहुत अच्छी बात नहीं है और हमारे यहाँ लगभग हर चुनाव में कुछ पॉकेट्स में
ऐसा नहीं है कि कोई यह व्यापक पैमाने पर हमें देखने को मिलता है जी। कि कहीं कहीं किसी गांव में किसी मोहल्ले में ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जी। और ये जो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए भी यह चुनौती है और उन्हें यह समझना होगा कि हम जनता को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, क्योंकि जब जनता जो है आपको चुनती है तो वो बहुत सारी उसकी आशाएं अपेक्षाएं और आकांक्षाएं उससे जुड़ी हुई होती हैं जी। और चूंकि लोकतंत्र में भी हम जानते हैं कि शासन की यह एक ऐसी विधा है जो कि उपलब्ध जो हमारे पास विधाएं हैं उनमें सबसे अच्छी है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ विधा नहीं है। ऐसे में जब हमारे सामने कैंडिडेट राजनीतिक दल दे देते हैं और जनता को उनमें से चुनना होता है तो जनता के पास विकल्प प्रारंभ से ही सीमित होते हैं और उन जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की जाती है कि चुनने के बाद जो वह जनता के हितों का ध्यान रखेंगे। इस बार के चुनाव में भी हमें यह देखने को मिला है कि जो जो एमएलएज हैं कहीं ना कहीं लोकल एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर है, वो कुछ कुछ जगहों पे काम कर रहा है और उसी का ही यह एक स्वरूप है जिसका आप वर्णन कर रहे हैं कि कुछ क्षेत्रों में लोगों ने जो है चुनाव का बहिष्कार किया जी। भूपेंद्र जी, जनता की इन समस्याओं को देखते हुए इस बार रिपोर्ट कार्ड निकाला बीजेपी ने, कई ऐसे प्रत्याशी थे, विधायक थे जिनका टिकट काटा गया है, तो क्या लगता है जनता का, जनता को खुश करना, जनता के विकास के मुद्दों को लेकर चलना, क्या यही वजह है जो बीजेपी ने इतना बड़ा कदम उठाया या फिर सिर्फ सत्ता के लिए ये उठाया गया कदम है? मैं कहता हूं कि सरकार किसी की भी हो जी, लेकिन विधायक तो हम ही बनेंगे, मंत्री तो हम ही बनेंगे जी। आपको याद होगा लोकसभा में रामदास अठावले जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने कहा था एक बार, बड़े हंसी मजाक में ही कहा था जी। कि सरकार तो किसी की हो जी, मंत्री तो हम रहेंगे ही रहेंगे, उन्होंने बड़े हंसी मजाक में कहा था, वो बड़ा वायरल हुआ था जी। बिल्कुल, आप एक चीज ध्यान दीजिए कि जितने भी अभी, चाहे ये 55 सीटों पर चुनाव हुआ हो रहा है, 58 सीटों पर जो हो चुका फर्स्ट फेज का, या जो आने वाला पूर्वांचल में है, मैं बहुत सारी सीटों पर नाम लेकर के आपको गिना सकता हूँ। बसपा के सारे प्रत्याशी सपा में चले गए जी। भाजपा छोड़े मंत्री सपा में चले गए, सपा की सरकार बनेगी तो भी वही मंत्री बनेंगे, भाजपा की सरकार बनेगी तो वहां से छोड़ के यहाँ आ जाएंगे, वही मंत्री बनेंगे, वही विधायक बनेंगे या उन मतलब उनका परिवार। तो जनता कहाँ है इसमें, जनता कहाँ है, जनता तो है ही नहीं है। तो विकास के मुद्दे ये 5 साल जीत करके आए, अब जनता को एक तरफ नागनाथ है दूसरी तरफ सांपनाथ है, हमें चुनना नागनाथ या सांपनाथ में से एक ही को है जी। तो जनता क्या करे, फिर जनता एक ही कर सकती है कि हम नहीं, चुनाव में वोट नहीं डालेंगे, बस यही कर सकती है, उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। हमको अगर थोड़ा सा चुनाव सुधार की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाए, कुछ देशों में चुनाव को लेकर के एक प्रक्रिया अपनाई जाती है कि वहां पर अगर आप कैंडिडेट हैं, आपको 51% मतदान मिलता है टोटल वोट रजिस्टर्ड वोट का, तो ही आप विजयी माने जाएंगे। अगर इससे कम वोट आपको मिलता है तो वहां पुनर्मतदान होता है। लेकिन चूंकि हमारा लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ पर थोड़ा सा इच्छा का स्तर उतना ज्यादा नहीं है, तो हम उस प्रक्रिया को तो नहीं अपना सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा को अभी अशिक्षा है और उतना ज्यादा लोग जागरूक नहीं है अपने वोटिंग राइट्स को लेकर के, और लोग निकलते भी नहीं। आप देख रहे हैं 65% का टोटल मतदान हो रहा है, तो 51% मतदान कहाँ, वो वोट कहाँ से पाएगा? तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी जनता के पास ये विकल्प वास्तव में जो पांडे जी ने कहा वो सीमित हो जाते हैं, जनता के पास ही नहीं है। अब चाहे आप कोई भी विकास का मुद्दा ले लीजिए, भाई जब कोरोना काल शुरू हुआ तो उस समय रोजगार का मुद्दा आया और उस समय आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जितने भी लोग पलायन करके गए थे, आ रहे हैं दूसरे राज्यों से, हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि इनको आगे से पलायन करना ही नहीं पड़ेगा जी। स्किल मैपिंग शुरू हुई, लेकिन आज की डेट में आप फिर देख लीजिए, सारे मजदूर वापस गए। अब फिर उनसे उनकी मजबूरी थी कि वो जाकर के अपने काम पर लौट गए और अपने काम पर फिर जाकर के वहां काम कर रहे हैं जी। तो रोजगार उपलब्ध कराना, उनको स्किल्ड लेबर उपलब्ध कराना, किन क्षेत्रों में उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए फाइनेंस उपलब्ध कराना जी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराना, सिंगल विंडो सिस्टम बना तो दिया गया, लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन आज भी बड़ा खराब है। आपको मैं एक बड़ा छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि अगर आप लखनऊ में, आप बहुत छोटा सा ये जो पानी क्या कहते हैं, पानी के बतासे का ठेला लगाना चाहें, हम एक बहुत सिंपल सी बात कह रहा हूँ, पानी के बतासे का ठेला लगाना चाहें ना जी, तो आप नहीं लगा सकते जी। उसके लिए आपको कितनी जगह से एनओसी लेनी होती, आपको नगर निगम में अप्लाई करना पड़ेगा कि हम कूड़ा कहाँ डालेंगे,
फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा जो पानी उसमें यूज कर रहे हैं वो पानी कौन सा होगा, मिनरल वाटर होगा कि सामान्य वाटर होगा कि नलके का वाटर, नल का पानी होगा उसका है। फिर दूसरा उसमें जो हम मटर यूज करेंगे या जो उसमें रॉ मटेरियल यूज करेंगे जो भरेंगे उसका उसका क्वालिटी क्या होगी, वो फूड विभाग से आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। एक छोटी सी वो वेंडर्स लगाते हैं बेचारे, वो देते हैं, इसके बाद वो पुलिस वाले या नगर निगम वाले उनसे वसूली करते हैं वो अलग बात है, लेकिन तरीके से सरकार का तरीका देखिए, मैं सरकार की प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, अगर कोई एक तरीके से ठेला लगा करके ब्रांडिंग करना चाहे तो वो इतनी प्रोसीजर से उसको गुजरना पड़ता है कि फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, वाटर लाइसेंस लेना पड़ेगा, नगर निगम से कचरे का उसको कचरा कहाँ डालेंगे, कचरा निस्तारण का लाइसेंस लेना, तीन लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती है। अब बताइए ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है नहीं है ना, तो इसमें सुधार लाने की हमें जरूरत है, कई चीजों में सुधार की तो जरूरत है। अगर बात करी जाए शशिकांत जी, यूपी में जो चुनाव होते हैं, पिछले बार के चुनाव में हमने देखा कि पार्टी को देख के चुनाव डाले गए, अपने वोट डाले गए, मतदाताओं ने योगी मोदी लहर देख के अपने वोट डाले थे, ये नतीजा देखने को मिला कि बीजेपी की सरकार भी बनी। और यूपी में अक्सर ये देखने को मिलता है धर्म और जाति के मुद्दों को लेकर हमेशा मतदान किया जाता है, तो क्या ये सही है, क्या पार्टी को देख के या फिर जाति धर्म को देख के वोट करना चाहिए या फिर प्रत्याशी और मेन मुद्दों को देख के, कौन काम कर रहा है, इन सब चीजों को देख के मतदान करना चाहिए? देखिए आपने बढ़िया प्रश्न उठाया। इस बार के चुनाव में आप देखिए प्रत्याशियों की जो घोषणा हुई है जी वो बिल्कुल यहाँ तक कि पता चला कि नॉमिनेशन की कल अंतिम तिथि है जी। तो उन प्रत्याशियों की वो घोषणा कर रहे हैं जी। ऐसे में आप उम्मीद कर सकते हैं कि एक प्रत्याशी जो कि चुनाव के दो दिन, चार दिन, पांच दिन या दस दिन पहले जब वो उसके नाम की घोषणा होगी तो ऐसे में वो उसको कहाँ समय मिलता है कि जनता के साथ वो संवाद स्थापित करे, जनता के साथ कनेक्ट करे। ऐसा कुछ इस बार के चुनाव में तो हम खास तौर से देख रहे हैं कि बिल्कुल पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं या पार्टियों के नेता चुनाव लड़ रहे हैं और जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल है, जो प्रत्याशी है, जिससे जनता का सीधा संवाद होता है, जो जनप्रतिनिधि बनता है और जिसके माध्यम से जनता की आशाओं अपेक्षाओं की पूर्ति होती है, वह बिल्कुल गायब सा हो गया है जी। तो यह अपने आप में कहीं भी शुभ संकेत नहीं है। उन प्रत्याशियों को पार्टियों को बहुत पहले जो है वह चयनित करके फील्ड में भेजना चाहिए ताकि वो अपने फील्ड में जा सके, अपनी पार्टी की योजनाओं और उनका खुद क्या आचरण हो गया, क्या काम करेंगे, उससे जनता के साथ वो बातचीत कर सके, तादाद में स्थापित कर सके। नहीं तो ऐसे में तो वो चुनाव लड़ते और जीतते हैं और सीधे उसके बाद वो पांच साल के लिए स्वाभाविक है कि वो गायब हो जाते हैं क्योंकि क्षेत्र की जनता के साथ उनका तालमेल ही नहीं होता। तो यह अपने आप एक विचारणी है। दूसरी बात आपने कही कि वो जाति और धर्म के मुद्दे जो है निश्चित रूप से, और विशेषकर नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स में आप जानते हैं कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है या जो पहचान की जो राजनीति हमारे यहाँ होती है धर्म, जाति और भाषा की, हम उससे अभी तक उभर नहीं पाए हैं। यद्यपि कि अब जो है जनता जागरूक हो रही है और आप देखिए कि पिछले अगर हम तीन चुनाव को भी देखें तो जनता ने जो है हर बार वो बदला है, कभी BSP आती है, कभी सपा, कभी भारतीय जनता पार्टी, तो यह दिखाई देता है कि जनता को हमें कमतर करके राजनीतिक दलों को आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए क्योंकि जनता जो है भी प्रयोग कर रही है। एक तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में एक सोशल चर्निंग का दौर है और उसमें जनता इन दलों को परख रही है और उसके आधार पर जो है बहुत सोच समझ करके फैसले ले रही है। जाति धर्म एक मुद्दा जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं वह धीरे धीरे सही वो हाशिए पर जाता दिखाई दे रहा है जी। भूपेंद्र जी, इस बार छटनी सपा ने भी करी है, जिस तरह से मुद्दा उठाती रहती है भाजपा की दागियों को, अपराधियों को टिकट दिया जाता है और ऐसे विधायक बनाए जाते हैं, तो ऐसे में कुछ लोगों के नाम काटे हैं सपा ने, हालांकि सबके नाम नहीं काटे, अभी भी आजम खान इसी रण में है और चुनाव लड़ रहे हैं, सहारनपुर की जेल में है लेकिन उसके बाद भी चुनावी मैदान में है, क्या कहेंगे, क्या बदलाव आना चाहिए, क्या ऐसे लोगों को टिकट देना चाहिए जिन पे आपराधिक मुकदमे दर्ज है? बिल्कुल पिछले पांडे जी की बात को आगे बढ़ाते हुए पिछले चरण के चुनाव से बात करता हूँ। देखिए जो जाति धर्म का चुनाव शुरू हुआ वो पिछले 58 सीटों के चुनाव पर जाटलैंड एक मुद्दा रहा, जाटलैंड जाट वोटों को लेकर के बात होती रही जी। वहां पर जयंत चौधरी प्रमुख नेता के रूप में माने गए
इसके बाद जब सेकेंड फेज का चुनाव आया 55 सीटें जिसमें ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका कहा गया और कहा गया 30 से लेकर के 55% तक ऐसे इलाकों में मुस्लिम डोमिनेटिंग फैक्टर हैं, तो ऐसे में मुस्लिम कैंडिडेट्स उतारे गए और वहां पर ये देखा गया कि जिताऊ कैंडिडेट कौन है, वहां ये देखा गया कि किस जात क्या है, जिताऊ कैंडिडेट देखा गया और उस जिताऊ कैंडिडेट में कई कई बार ऐसे लोग भी आए जो बाहुबली कहे गए जी। अब सवाल इस बात का था कि अगर कुछ लोगों को सपा ने बाहर किया तो कुछ लोग उसमें अंदर भी आए। पहले फेज के चुनाव में आप इनको आजम खान जी को देख लीजिए, पूरा परिवार नदारद था, पहले फेज में उनकी कहीं चर्चा नहीं हो रही थी। दूसरे फेज में जब उनका आया ये मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र आया तो उनकी चर्चा होने लगी। ओवैसी जी पहले फेज में उतने सक्रिय नहीं थे जितने अब की फेज के चुनाव में सक्रिय हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने अभी कल एक बयान भी उन्होंने इसी को बहुत दिया है। हम तो कहते हैं कि चुनाव आयोग को इन चीजों पर संज्ञान लेना चाहिए और आचार संहिता में शामिल करना चाहिए कि आप ऐसे चाहे वो ओवैसी जी हो, वो चाहे कोई भी पार्टी हो जी। हम सारी पार्टियों की बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज को लेकर के आप इस तरह के बयान मिडिल चुनाव में ना दें। तीसरी बात अब आइए, जैसे जैसे अभी आप पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे, पूर्वांचल की तरफ आपको जो बसपा में थे वही सपा में आ गए, आरोप तो उनके ऊपर भी है। मैं एक तरफ से नाम गिनाता चलूंगा आपको, आप शुरू करिए बनारस भदोही से शुरू करिए, जौनपुर आ जाइए, जौनपुर से आइए अंबेडकर नगर में घुस जाइए, अंबेडकर नगर से सुल्तानपुर जाइए, एक तरफ से नाम गिनते चले जाइए, फैजाबाद आ जाइए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन जिला गिना दे रहा हूँ आपको, आप समझ जाइए। फिर इसके बाद गोंडा में आप चले जाइए, सारे लोग सपा बसपा छोड़े सपा में आ गए, सपा ने उनको टिकट भी दिया हुआ है। और एक जन की तो मैं बात बताऊं कि बेटा उनका जो है वो बसपा में है और पिताजी सपा से चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा का सांसद जो है वो बेटा बसपा से है और सपा से पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बाहुबली है। तो देखिए ये कुल मिला के अगर हम ये कहें कि अगर शुचिता की राजनीति करनी है, अगर बाहुबलियों को करना है, तो इसमें पार्टियों को जितना जिम्मेदार हम ठहराते हैं जी। पहले पार्टियां क्या करती थी, इनका सहयोग लेती थी, लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने सोचा कि अगर हम पार्टी को जिता सकते हैं तो हम खुद क्यों ना चुनाव लड़ें। और यहाँ पर चुनाव आयोग को आकर के और वो टीएन सेशन का जमाना वापस लाना पड़ेगा, जब टीएन सेशन ने सारी दुनिया को ये दिखाया, सारे भारतवर्ष की एक एक नागरिक को ये बताया चुनाव आयोग नाम की एक चीज होती है और चुनाव आयोग चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसा जब तक चुनाव आयोग फिर से नहीं आएगा तब तक हम चुनाव में अपराधीकरण को रोक नहीं सकते हैं जी। अब एक लोग एक चीज इन लोगों ने बड़ा अपना बना रखा है कि अभी हमारे ऊपर आरोप लगे हैं। आरोप लगने में दिक्कत यही होती है कि जब सरकार उस पार्टी की आती है तो वो बड़ी जोर शोर से शुरू करते हैं। जैसे भाजपा की जब सरकार आई जी। तो रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर के बहुत जोर शोर से बात हुई, बड़ी तेजी से जांच शुरू हुई, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, वो फाइल आगे बढ़ी ही नहीं, आरोप पत्र ही नहीं दाखिल होगा, आरोप पत्र दाखिल हो जाएगा तो उस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा, संज्ञान नहीं होगा, सुनवाई नहीं होगी। अब एक अभी जो बैंक का घोटाला आया है आज, उसकी वजह से बड़ा त्राहिमाम मचा है जी। आप देख लीजिए उस बैंक घोटाले में 2250 करोड़ रुपए, मतलब आप कह नहीं हूँ इमेजिन की इतना बड़ा बैंक घोटाला हो जाता है, 27 बैंक कैसे तो आपने कर्जा दे दिया, उसकी वजह से 1700 पॉइंट निफ्टी ये बीएससी आपका टूटा है, सेंसेक्स आपका बीएससी 1700 पॉइंट नीचे गया है, 1000 पॉइंट निफ्टी टूट गया जी। पूरे पिछले एक साल के मतलब काल में ये सबसे बड़ा गिरावट है, इसका जिम्मेदार कौन है जी, बिल्कुल। 2019 में सीबीआई जांच बैठी, आरोप पत्र दाखिल ही नहीं हुआ, दाखिल हुआ तो उस पर जांच चलती रही, 2022 में आकर के इस पर संज्ञान लिया जाता है जी। FIR दर्ज होती है, ये प्रक्रिया जो होती है ना, ये प्रक्रिया हमें घटानी पड़ेगी, इस प्रक्रिया की अवधि को घटानी होगी और हमें जवाबदेह बनाना पड़ेगा कि हम किसी भी तय समय में आरोप पत्र दाखिल करें जी। किसी को गुनाहगार है या नहीं है, दोनों बात जल्दी से जल्दी हम उसको क्लियर करें, अगर वो गुनाहगार है तो उसकी सजा मिले और नहीं है तो उसको हम बरी करें जी। जिस तरह से इस बार के चुनाव देखने को मिल रहे हैं और लोकतंत्र में ये चीज भी है कि कोई भी चुनाव लड़ सकता है, स्वतंत्र है, और ऐसे कई बड़े लोग भी हैं जिनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, तो ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया गया है लोकतंत्र में, लेकिन जिस तरह से रामपुर से चुनाव लड़ रहे आजम खान, तो
क्या वो बीजेपी को इस बार टक्कर दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ये सपा का गढ़ माना जाता है, रामपुर की अच्छी खासी साख है, वहां पे अच्छी खासी पकड़ है। तो शशिकांत जी, क्या लगता है इस बार भाजपा टक्कर देगी या फिर जो है दबदबा वैसे ही रहेगा जैसे सपा का है अभी तक? देखिए, अगर हम आपके सवाल को दो भागों में देखें, एक तो दूसरे चरण के संदर्भ में और फिर हम प्रदेश व्यापी संदर्भ में भी इसकी चर्चा कर सकते हैं। दूसरे चरण की वोटिंग हुई है, 55 सीटें हैं, 9 जिलों में मतदान आज हुआ है जैसा आप जानते हैं जी। और इस ये जो पूरा का पूरा जो दूसरा चरण है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2017 की लहर में भी बहुत कठिन था और इस बार भी निश्चित रूप से जो वहाँ की जो सोशल जो डेमोग्राफी है उस हिसाब से यह कठिन होने वाला है जी। क्योंकि हम जानते हैं कि 9 जो सीटें ऐसी हैं जहां पर की जो मुस्लिम आबादी है वो 50% से ज्यादा है जी। और इसके अलावा 14 सीटों पर 40% से ज्यादा और 14 पर 30% से ज्यादा जी। तो यानी कि जो कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कहीं से भी जो है वो कोर वोटर नहीं रहा है जी। और इस 55 सीटों में जो इस फेज में चुनाव हो रहा है, 38 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती थी 38% वोट पाकर के, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी इसी चरण में अच्छी कामी भी पाई थी, 2017 में 15 सीटें उन्हें मिली थी या 26% वोट मिले थे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अगर हम इस चरण में और उसी में रामपुर की भी सीट आती है, रामपुर मुरादाबाद ये कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर की बहुत भारी संख्या में जो मुस्लिम आबादी है और आजम खान साहब जो है वो करीब जहां तक मेरी जानकारी है 9 बार शायद वो चुनाव वो जीते हुए हैं रामपुर से, बड़े कद्दावर नेता है और उनकी अपने क्षेत्र में निश्चित रूप से पकड़ है रही है और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से शायद आदर सक्सेना है जो कैंडिडेट दिया है और जिनके कंप्लेन पर ही वो आज जेल में है, तो एक चुनौती पेश करने की कोशिश की है। लेकिन उधर रामपुर की जो नवाब की फैमिली है उनकी उनके तरफ से कांग्रेस की तरफ से वो कैंडिडेट है जी। लेकिन ऐसा सब कुछ जो वहां का समीकरण है मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आजम खान का पड़ा भारी हो सकता है। चुनाव के बारे में कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, कई बार बहुत अनजोन चेहरे जो है होते हैं वो चुनाव जीत जाते हैं, बहुत पॉपुलर चेहरे जो है चुनाव हार जाते हैं। लेकिन इस चरण में जो विशेषकर हम जो जिस तरह का जो कंपोजिशन है 20 सीटों पर जो है 20% के करीब जो है वो दलित आबादी है इस जो फेज में चुनाव हो रहा है और कुछ पॉकेट्स में बसपा भी जो है बहुत स्ट्रांग रही है। आपको मालूम है जो लोकसभा का 2019 का चुनाव हुआ था उसमें बसपा ने भी जो है इस क्षेत्र में जो है सहारनपुर बिजनौर अमरोहा ये सीटें जीती थी तो उसके भी एक प्रेजेंस है। तो ये जो फेज है जो दूसरा जो फेज है इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती जो है वह कठिन होगी। रही बात हम प्रदेशव्यापी परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये देखने में आ रहा है कि समाजवादी पार्टी एक भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक निश्चित रूप से चुनाव की जो शुरुआत में तो ऐसा नहीं लग रहा था लेकिन बाद के दिनों में धीरे धीरे समाजवादी पार्टी ने अच्छी खासी चुनौती पेश की है भारतीय जनता पार्टी के सामने और यह चुनौती एक इस रूप में जो है वो देखने को मिल रही है कि उत्तर प्रदेश का यह चुनाव एक लंबे अरसे के बाद बाइपोलर कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं तो इससे पहले भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी और फिर बसपा भी वो रेस में रहती थी लेकिन इस बार जिस तरह से हम बहुजन समाजवादी पार्टी को देख रहे हैं कि बिल्कुल उनका कहीं भी जो उनका जो शीर्ष नेतृत्व हो या पार्टी के कार्डर्स हो वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं तो ऐसे में एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट की स्थिति बन रही है और उसमें अब कौन बाजी मार ले जाएगा यह बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। जहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी जो योजनाएं जो शुरू की हैं और वो योजनाएं धरातल तक पहुंची भी हैं वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारी का मुद्दा रहा है, किसानों का मुद्दा रहा है, कोविड का भी मुद्दा है और जिसको समाजवादी पार्टी कैपिटलाइज करने की कोशिश कर रही है जी। तो यह 10 मार्च ही यह तय करेगा कि किसके पक्ष में यह चुनाव जाएगा। बिल्कुल भूपेंद्र जी, जिस तरह से इस बार का समीकरण देखने को मिल रहा है, हमारी चर्चा भी हुई थी इससे पहले भी कि जब कांग्रेस की और आरएलडी का गठबंधन हुआ था तो कांग्रेस जब सत्ता में कहीं दूर दूर तक दिख भी नहीं रही थी, प्रचार प्रसार से भी दूर थी, तब उसके खाते में 2 सीटें गई थी, बीएसपी का खाता नहीं खुला था और इस बार रालोद और सपा का गठबंधन है और बीजेपी की लहर थी पिछले चुनाव में। तो जो इस बार के समीकरण दिख रहे हैं और इस बार बीएसपी प्रमुख जमीनी स्तर पर दिख रही है, प्रचार करती हुई भी नजर आई, तो क्या लगता है
क्या बीएसपी का इस बार खाता खुलेगा? क्या बीजेपी के खाते में पिछली बार जितनी सीटें गई थी तो उससे कुछ कम हो जाएंगी? क्या उनका विभाजन हो जाएगा उन सीटों का? इस बार के समीकरण क्या कह रहे हैं? देखिए, जो कल के प्रोग्राम में हम लोगों की चर्चा हुई थी जी, मैं उसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए आपको बता दूं कि जैसे पांडे जी ने कहा कि बिजनौर और अमरोहा की सीट में बहुत सारे उनके कैंडिडेट ऐसे थे जो मुस्लिम फैक्टर काम करता था और वो वापस आ गए हैं सपा में जी। जो कुछ कांग्रेस के थे, जो नेता थे, जो कांग्रेस की सीट जो पिछली बार उनको मिली थी राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन के साथ, वो वहां पर कहीं ना कहीं स्थानीय फैक्टर हावी था और उस स्थानीय फैक्टर और जो कैंडिडेट था उनका इंडिविजुअल अपना है। जैसे आप जब पूर्वांचल की तरफ आप बढ़ेंगे तो दो तीन कैंडिडेट ऐसे थे जो बीजेपी कांग्रेस के हमेशा जीतने वाले उम्मीद थे, इसलिए नहीं उम्मीदवार वो थे कि कांग्रेस जीत रही है, और इसलिए थे कि उनका अपना व्यक्तिगत वो क्षेत्र में उन्होंने अपनी पहचान बनाई हुई है और वो उनकी परंपरागत सीटें हैं वो जीतते हैं। उसमें से दो ऐसे कैंडिडेट हैं जो आजकल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, अमरोहा और बिजनौर की बहुत दो तीन चार कैंडिडेट ऐसे थे जो अब सपा का दामन थाम चुके हैं। अब जहां तक हम बात करते हैं गठबंधन की, जब कांग्रेस का आप देखिए थोड़ा सा जनाधार खिसक चुका है जी। एक बड़ी उपस्थिति दर्ज करा रही थी वहां वेस्टर्न यूपी में, खास करके यूपी में बड़ी उपस्थिति दर्ज कराना शुरू किया था आम आदमी पार्टी ने, जो बड़ी सशक्त ढंग से उपस्थिति दर्ज करा रही है पंजाब और गोवा में। हमारा तो प्रेडिक्शन ये कह रहा है कि आप कहीं देखिएगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं सरकार ना बना ले जो हालात चल रहे हैं इस समय, और गोवा में मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि आप नोट कर लीजिए चाहे इस चीज को कि वो मुख्य विपक्षी दल बनने जा रही है, मेरा प्रेडिक्शन है आपको दावे के साथ। और अब आते हैं आप यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर आम आदमी पार्टी शायद फोकस नहीं कर पा रही है क्योंकि दिल्ली का प्रभाव वेस्टर्न यूपी पर बराबर पड़ता रहता है, उनकी नीतियों का प्रभाव पड़ता है, जो उन्होंने मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी, मुफ्त दवा और उन सब की बात की थी उसको मजबूरी में सारी पार्टियों को अपने मैनिफेस्टो में लाना पड़ा। आखिर में फ्री वीज का कल्चर दिल्ली से शुरू हुआ, वो फ्री वीज का कल्चर सारी पार्टियों के घोषणा पत्र में है, यद्यपि वो पैसा कहाँ से आएगा इसका जिक्र कोई पार्टी नहीं करती है, उसके लिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा कोई पार्टी जिक्र नहीं कर रही है। अब आते हैं राष्ट्रीय लोकदल और सपा पर। राष्ट्रीय लोकदल का देखिए अपना जाट लैंड है, उनका अपना आधार है, सपा का परंपरागत वोटर एमवाई फैक्टर पहले से ही मौजूद है और उनको लेकर के एमवाई फैक्टर जो हमेशा काम करता है, तो इन दोनों फैक्टर्स को अगर हम मिला दें तो इनको लेकर के जो हमारा समीकरण बनता है वो एक चुनौती पेश करेगा। बीजेपी का लहर पिछली बार भी थी, अब की बार भी है, थोड़ा सा एक फैक्टर बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है वेस्टर्न यूपी में, वो है किसानों का मुद्दा। किसानों के मुद्दे को लेकर के जितने एक साल तक जो आंदोलन चला था उसका निगेटिव फैक्टर अभी उतना कम नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था या जितना लोग दावा कर रहे हैं, क्योंकि एमएसपी का मुद्दा आज भी बरकरार है जी। और ऐसे में ये चूंकि मुस्लिम एरिया बाहुल्य एरिया है, मुस्लिम यहाँ फैक्टर काम कर रहा है, तो इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी की बी पार्टी है असदुद्दीन ओवैसी की एएमआईएमएम, तो एएमआईएम की बात अगर हम कर लें तो वो जितना वोट काटेंगे वो बीजेपी के लिए उतना ही फायदा है। अगर वो वोट काटते हैं और कुछ सीटें ले जाते हैं तो वो पक्की सी बात है कि सपा और राष्ट्रीय लोकदल के खाते से जाएगा। ऐसे में बड़ी देर से ये जो बसपा थी, मायावती जी बहुत देर से मैदान में आई हैं, पिछले एक साल से वो चुनाव से बाहर रही हैं, उन्होंने कोई रैली नहीं की, कोई सभा नहीं करी, यद्यपि उनके बहुत बड़े बड़े नेता जो थे जो खास करके बैकवर्ड क्लास के थे वो पार्टी छोड़ चुके हैं और आज इसमें सपा में शामिल हो गए, तो ऐसे में इस चीज का भी फैक्टर बहुत बड़ा काम करने वाला है, क्योंकि जो उनका परंपरागत वोटर है जो 20% का जो पांडे जी बता रहे थे, वो परंपरागत वोटर तब तक काम करेगा कि जब तक उनमें अभी उतनी जागरूकता नहीं आई है। लेकिन जो पिछले कोरोना काल में लोगों को राशन बांटा गया है, जो पैसे बांटे गए हैं, जो किसान सम्मान निधि दी जा रही है, इसका फायदा आप इग्नोर नहीं कर सकते कि बीजेपी को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, जो घर मिले हैं, आवास योजना जो चलाई गई है, प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है, नल से जल योजना जो चलाई जा रही है, इसका भी फायदा आप नहीं कह सकते, चाहे वो मुस्लिम वोटर हो, चाहे वो गरीब तबके की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो मुस्लिम गरीब तबका हो, चाहे वो हिंदू का गरीब तबका हो, इस फैक्टर को कहीं भी नजर ना, क्योंकि मैंने बहुत सारी जगहों पर जब मैं घूम रहा था तो मैंने ये सुना कि आखिर में दिया तो इन्होंने ही,
तो ये भी एक फैक्टर है, इस फैक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, शाहजहांपुर की सीट को ले लीजिए, तो भाई उनका परंपरागत वोट बैंक है वो शाहजहांपुर की सीट, वो 7 बार से वहां पर लगातार विधायक रहे हैं, बीजेपी के राणा जी हैं, उनका अपना वोट बैंक है, तो वो परंपरागत वोट है, वो वहां पर वो परंपरागत सीट है, वो जब बीजेपी की के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी चल रही थी तब भी वो वहां से जीते थे। तो वेस्टर्न यूपी में चुनौती तो बड़ी है, लेकिन एकदम से बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ओबीसी जी के एंट्री करने से थोड़ी सी ये फेवर में जाएगा। शशिकांत जी, जिस तरह से भूपेंद्र जी ने बताया कि जो राजनीति चल रही है तो काम भी किया गया है बीजेपी द्वारा भी, तो क्या ये हम मान सकते हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है बीजेपी के अपोजिट में? हालांकि सपा टक्कर दे रही है, लेकिन जिस तरह से काम देखने को मिल रहा है, जिस तरह से लहर देखने को मिली, जिस तरह से जो चेहरे देखने को मिल रहे हैं जिनको उतारा गया है जमीनी स्तर पर, तो क्या देखने को मिलता है कि क्या इससे फर्क पड़ेगा? कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है क्या, इसीलिए बीजेपी के अकाउंट में सारे वोट जा रहे हैं अभी तक जितने भी जा रहे हैं? और दूसरी चीज ये कि अगर ऐसा है तो जो मुस्लिम है, क्योंकि इन जो 9 जिलों की आज वोटिंग हुई है तो वहां पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र ज्यादा है, मुस्लिम वोटर ज्यादा है और किसान भी ज्यादा है, और इन्हीं दोनों का वोट सपा की तरफ जा रहा है, तो क्या देखने को मिलता है, सपा को इससे फायदा होगा या फिर काम देख के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट बीजेपी है? देखिए, अगर इस पूरे जो 2 फेज के चुनाव हो रहे हैं, जहां पर आप देखें, अगर हम पिछले विधानसभा चुनावों से ही इसकी तुलना कर लें, तो 113 सीटें ये दोनों ही सत्र में, दोनों जो पहले और द्वितीय चरण में जिनके मतदान हुए, उन 113 में 91 सीटों पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी। तो आप कह सकते हैं कि वो एक ऐतिहासिक जीत थी भारतीय जनता पार्टी की, जो 2017 में हुई थी। और निश्चित रूप से जब कोई पार्टी इतनी बड़ी कामयाबी प्राप्त करती है और इतना बड़ा उसका स्ट्राइक रेट होता है, तो उसको जो है वो रिपीट करना उस पार्टी के लिए 5 वर्ष के बाद बड़ा मुश्किल होता है। ऊपर से जो परिस्थितियां थी, भारतीय जनता पार्टी ने 17 के बाद 19 में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और अगर हम इसको जो जाटलैंड की बात करते हैं, जो प्रथम चरण में जो मतदान हुए थे जाटों ने 2017 में, मैं आपको बताऊं, वो 70% से ज्यादा मतदान किया था, और ये 2019 के चुनाव में उन्होंने 90% से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। यानी एक जाटों का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है, जो 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ था। अभी अभी की जो परिस्थितियां हैं, अभी की परिस्थितियों में हम ये देख रहे हैं कि कुछ उन परिस्थितियों में काफी बदलाव आया है। उदाहरण के लिए, जो एक साल तक जो है किसानों का एक लंबे समय तक आंदोलन का चलना, चौधरी अजीत सिंह जी का उनको समर्थन देना, उसके बाद उनका इस बीच में कोविड के थ्रू निधन हो जाना, और चौधरी जयंत का जो है वो एक लगातार जो है वो रैलियां करना, उन्होंने निश्चित रूप से वो क्षेत्र में कोई भी वो इलाका नहीं होगा जहां उन्होंने दौरा नहीं किया, और यह पहली बार आरएलडी जो है उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है, और जो एक दरार थी आई थी जो एक हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी में, विशेषकर जाट और मुस्लिम समुदाय में 2013 के दंगों के बाद से, उन्होंने कोशिश भरपूर की है कि हम उस गैप को फिलअप करने की कोशिश करें। लेकिन राजनीति में हमें यह ध्यान में रखना होगा कि राजनीति में 2+2=4 नहीं होता है, और अगर हम इस तरह से जोड़ें कि समाजवादी पार्टी के आ जाने से आरएलडी के साथ, तो वो मुस्लिम और यादव और जाट वोट मिल जाते हैं, और ये 50% से आंकड़ा ऊपर हो जाता है, और उनकी जीत तो पक्की हो गई। अगर ऐसा ही होता तो फिर 2019 के चुनाव में तो इनके साथ बसपा भी थी, बहुत ही फेवरेबल कॉम्बिनेशन था और क्लीन स्वीप होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 250 जाट नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की, इधर जयंत चौधरी का गठबंधन सपा के साथ हुआ, क्या लगता है ज्यादा पावरफुल कौन है, किसके पक्ष में किसान जाते दिख रहे? क्योंकि किसानों की नाराजगी तो थी, लेकिन जब अमित शाह ने बैठक करी तो ये माना जा रहा था कि गठबंधन होने के बाद भी जयंत चौधरी बीजेपी का साथ दे सकते हैं। देखिए, किसानों के साथ अमित शाह ने बैठक की, और भारतीय जनता पार्टी ने 2017 के बाद से भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया, उन्होंने जाट समाज के अंदर से नेतृत्व पैदा करने की कोशिश की, संजीव बालियान एक बड़े नेता के रूप में उभरे, संगीत सोम और अनेक उनके जो है वो जाटों में से उनका उन्होंने नेतृत्व जो है वो उभारा है, वो आगे आए हैं। उसके अलावा इस चुनाव में भी आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जाट समाज से टिकट दिया है, करीब 18 जो है वो कैंडिडेट जो है उनके वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़ रहे हैं। तो ऐसे में और इसके अलावा हमें यह नहीं भूलना होगा कि यहाँ अन्य जातियां भी हैं, और जैसे त्यागी है, सैनी है, गुर्जर है, कश्यप है,
और इनके बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी बैठ है। और जैसा कि भूपेंद्र जी ने भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की जो योजनाएं हैं, पहले की तुलना में ये विकास की योजनाएं जो है धरातल पर पहुंची है। अब ये कितना बड़ा असंतोष है, उदाहरण के लिए ऐसी कई घटनाएं घटाई। पहली बात तो मुझे ये बताना चाहूंगा आपको कि किसान एक किसान के तौर पर एक होमोजीनियस ग्रुप के तौर पर वोट नहीं करते हैं। किसान भी जो है अलग अलग जाति धर्म और समाज से आते हैं और वो उस हिसाब से वोट करते हैं। तो हमें यह देखना पड़ेगा कि जो पूरी की पूरी जो अन्य जो जातियां हैं वो किधर जाती हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से जो मुस्लिम कैंडिडेट चुनाव में है, क्या जाट जो है उनको समर्थन देते हैं या फिर इधर से वोट जो है मुसलमानों का जाट जो उनके उम्मीदवार है उधर जाता है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स जो है वो वर्क करेंगे। हाँ, ऑफकोर्स ऐसा हुआ है कि एक असंतोष रहा है, किसानों का मुद्दा तो था ही, उसकी हम चर्चा बार बार करते हैं। इसके अलावा वहां पे नौकरियों में जो भर्तियां होती थी वो 2 साल से रुकी हुई थी। वो जो लोग थे वो जो युवा थे वो ओवर एज हो गए, उनकी भर्तियां नहीं हुई। आवारा पशुओं का भी एक बड़ा मुद्दा रहा है पश्चिम उत्तर प्रदेश में। तो इस तरह से कई अनेक मुद्दे हैं और जब एक पार्टी सत्ता में होती है तो एंटी इनकम्बेंसी का भी फैक्टर होता है। अब ये कितना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा और कितना विपक्ष में जाएगा, यह तो चुनाव का परिणाम आने बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में कई मुद्दे हैं और इन पे तो हमने चर्चा कर ली। आज उत्तराखंड में भी चुनाव था 70 सीटों पर। तो उत्तर प्रदेश में तो जाति धर्म के इर्द गिर्द घूमती रहती है राजनीति, लेकिन जब उत्तराखंड की बात आती है तो यहाँ पे हमेशा परिवर्तन देखने को मिला है। भूपेंद्र जी, परिवर्तन की वजह क्या है? आखिर जनता एक के बाद दूसरी सरकार को मौका देती है, क्या प्रतिनिधियों को मौका देना चाहिए? जैसे कि हमने उत्तर प्रदेश की भी बात करी और जिस तरह से पार्टियां चेंज होती रहती है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, और ऐसा होता है कि जो वहां का मुख्यमंत्री होता है वो भी अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता, तो इसके पीछे की क्या वजह है? देखिए, उत्तराखंड का जब गठन हुआ और उसके बाद से जो वहाँ के मुद्दे थे, स्थानीय मुद्दे, वो 2 भागों में डिवाइड हो गए। वहाँ पर एक तो पहाड़ का मुद्दा आ गया और दूसरा मैदान का मुद्दा आ गया। जो पहले भी चला करता था, पहले ये कहा जाता था पहाड़ में लोगों को पनिशमेंट के रूप में भेजा जाता है, तो हरिद्वार से लेकर के और जो इधर आपका इधर का इलाका है ऊधम सिंह नगर और इधर आप नैनीताल के नीचे आप की बात कर लीजिए, तो इधर जितना भी ये इलाका है ये मैदानी इलाका है और इस इलाके को लेकर के एक अलग पॉलिसी हो जाती है और पहाड़ों को लेकर के एक अलग सेंटीमेंट बन जाता है जी। तो जब और ज्यादातर ये लोग मानते हैं कि जो मुख्यमंत्री होना चाहिए वो पहाड़ों से ही होना चाहिए, पहाड़ का अपना एक अलग कल्चर है जी। तो वहां पर लगातार अभी नेताओं में स्थानीय मुद्दों को लेकर के एक आप डिलेम्मा रहता है, कभी कोई मुद्दा हावी हो जाता है, जैसे अभी कांग्रेस बदल दी जाते, कार्यकाल पूरा नहीं हो पाता है, इस पे क्या कहेंगे? बिल्कुल सही है, आपस में ही उनमें इतने ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती हैं। जैसे अभी कांग्रेस ने एक मुद्दा उठाया है चारों धाम का मुद्दा और उसको हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि अभी तो कांग्रेस चारों धाम की बात कर रही है, बाद में 4 दाम की बात करेगी, 4 प्राइसेस की बात करेगी। तो ये कभी चारों धाम का मुद्दा हो जाता है, पहाड़ में बर्फबारी और खास करके बरसात में जो पहाड़ों के खिसकने का मुद्दा है जी। या पहाड़ों से सबसे बड़ा मुद्दा एक है रोजगार की वजह से पलायन का मुद्दा जी। और वो पलायन का मुद्दा जब भी उठता है तो वो किसी न किसी मुख्यमंत्री की गद्दी लेके जाता ही जाता है जी, बिल्कुल। और इस जब तक वहां पर स्थानीय स्तर पर गाँव से पलायन नहीं रुकेगा जी। और जब तक वहां पर स्थानीय स्तर पर रोजगार का सृजन नहीं होगा जी। तब तक वहां पर स्थिरता ला पाना और केवल देहरादून और हरिद्वार और ये ऊधम सिंह नगर के आधार पर आप राजनीति करते रहे, ये पॉसिबल नहीं है जी। शशिकांत जी, मुद्दे तो बता दिए भूपेंद्र जी ने, लेकिन जिस तरह से बाकी के 2 और पार्टियां भी, आम आदमी पार्टी भी अपनी राजनीतिक जमीन ढूंढ रही है और बीएसपी भी वहां पे मैदान में है, तो क्या लगता है, क्या इस बार बीजेपी कांग्रेस को हटा के क्या आम आदमी पार्टी जिस तरह से दम भरी है, क्या उसको मौका मिल सकता है, ऐसी उम्मीद है? या फिर नई पार्टी होने की वजह से इतना ज्यादा लोग भरोसा नहीं करेंगे आम आदमी पे, या फिर दिल्ली का मॉडल देख के भरोसा भी कर सकते हैं? देखिए, इस बार के चुनाव में विधानसभा के जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जी, आम आदमी पार्टी ने अपने आप को पार्टी को विस्तार देने की कोशिश की है और उसी कड़ी में वो गोवा में चुनाव लड़ रही है, पंजाब में
वो है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ रहे हैं जी। लेकिन जहां तक उनके संगठन का प्रश्न है, उत्तर उत्तराखंड में उनका संगठनात्मक ढांचा कितना मजबूत है बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वहां पर हम देखते हैं कि वो सत्ता का जो है वो ट्रांसफर होता रहा है और इन दोनों पार्टियों की वहां पर एक बहुत सॉलिड प्रेजेंस है। इनके पास स्थानीय स्तर से लेकर के और प्रदेश के स्तर पर जो है उनके पास एक लीडरशिप है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने निश्चित रूप से वहां के चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की है। कितनी कामयाबी मिलेगी ये तो अभी मुझे लगता है कि यह देखना होगा, ये कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि पार्टी ने कुछ चीजें वहां के लिए उन्होंने अपनी जैसे वो घोषणाएं दिल्ली के अपने घोषणा पत्र में करते हैं वैसे उसी तरह से उत्तराखंड के लिए भी की है, लेकिन उसका बहुत मजबूत बेस जो है अभी मुझे लगता है कि उत्तराखंड में नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा उन्हें कामयाबी मिलेगी कि अगर उन्हें 2-4 सीटें अगर मिल जाती हैं तो मुझे लगता है कि अभी एक उपलब्धि होगी आम आदमी पार्टी के। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चुनाव पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ दो राजनीतिक विश्लेषक शशिकांत पांडे जी और भूपेंद्र तिवारी जी जुड़े थे, तो जिनसे हमने चर्चा करी कि कौन कौन से यूपी के मुद्दे हैं और उत्तराखंड में क्यों हर बार सरकार बदल देती है जनता, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेके हमने चर्चा की। लेकिन अभी सिर्फ 2 ही चरण का चुनाव हुआ है यूपी में और अभी कई चरण बचे हैं, यानी कि 5 चरण बचे हैं, 2 चरण का चुनाव हुआ है और आज उत्तराखंड का चुनाव तो हो गया है, आज साथ ही गोवा में भी चुनाव था, तो काफी तैयारियां चल रही हैं अब 3रे चरण को लेके, जनप्रतिनिधि मैदान में हैं और 10 तारीख को परिणाम पता चलेगा। आज उत्तर प्रदेश में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों पे 586 उम्मीदवारों की किस्मत कैद हुई है, वहीं 70 सीटों पे उत्तराखंड में भी किस्मत कैद हुई है उम्मीदवारों की, सभी पूरी ताकत झोंक रहे हैं लेकिन अब इसका परिणाम 10 मार्च को ही पता चलेगा। तो वहीं आज पीएम मोदी ने भी दम भरा है, 10 तारीख को होली मनाने का दावा करा है और वहीं अन्य पार्टियां भी दावा करती हुई नजर आ रही है। दिलचस्प होता जा रहा है उत्तर प्रदेश का ये चुनाव और हर चुनावी अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।